अंतिम समय तक बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी दावेदारी मजबूत है। अनंत सिंह से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक साथ नहीं जाने को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अनंत सिंह को साफ साइड किनारा करके उन्होंने कहा कि नीलम देवी जो है अनंत सिंह से ज्यादा वोट लेकर के आएंगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गोपालगंज की खबरें आपने देखी होंगी। हमने बताया कि गोपालगंज की वास्तविक परिस्थितियां क्या है। चुनाव तो हो रहे हैं और सभी लोग चुनाव भी कर रहे हैं। जो क्षेत्र हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। और ऐसे में अब मोकामा की खबर को लेकर हाजिर हैं कि आखिर मोकामा का जातीय समीकरण क्या है, मोकामा का राजनीतिक समीकरण क्या है। बाबा के पास कुछ डाटा है, कुछ रिसर्च करके बाबा ने खोज कर लाया है आपके लिए कि मोकामा में खेल बिगड़ने वाला बनने वाला क्या परिस्थिति है। बाबा क्या लगता है मोकामा में, पहले फैक्टर की बात कर ले, कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मोकामा की लड़ाई जो है दो मोच वालों के बीच में हो रही है जी, और दोनों को बाहुबली कहा जाता है उस क्षेत्र का। हालांकि अनंत सिंह लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं 2005 से ही, या किसी दल में हो या निर्दलीय हो, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो चुनाव से बिल्कुल बाहर हैं जी, नाम से ही नहीं बल्कि वो पूरी तरह से चुनाव से भी गायब हैं। चुनाव प्रचार तक उनसे नहीं किया जा रहा है, कारण कि वो जेल में जी, और उनके सजा होने के बाद ही यहाँ पर चुनाव उपचुनाव पूरा हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर को लेकर के उनकी पत्नी नीलम देवी, जो अनंत सिंह ने इतने दिनों तक काम किया है, उसको लेकर के अब उतरी है मैदान में जी। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनकी पत्नी जो है नीलम देवी इस बार चुनाव में उतरी हैं और वो अपने पति के लिए लेकर के उनके काम करने को लेकर के वोट मांग रही हैं, सहानुभूति वोट उनको। सबसे बड़ी बात है, अपने फैक्टर की बात की कि कौन सा फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये काम कर रहा है कि एक तरफ अनंत सिंह है और यहाँ निर्णायक भूमिका में भूमिहार समाज वोटर है। बाकी आपने सुना ही होगा, इसके अलावा संपादक नमन मिश्रा जी ने पूरा इसका डिटेल्स दिया था। उस डिटेल्स में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो स्पष्ट उन्होंने किया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वोटिंग जो पैटर्न है वहां का हमेशा भूमियारों ने ही डिसाइड किया है, लेकिन इस बार जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें अनंत सिंह के नहीं होने से बहुत असर पड़ने वाला है। दो भूमियार प्रत्याशी हैं, बिल्कुल दो भूमियार प्रत्याशी भी हैं, और इसके साथ साथ जो डिसाइडर वोटर हैं वो धानुक हैं उसमें, उसके साथ साथ एससी एसटी के लोग हैं, इसके साथ साथ आपको सहनी समाज के लोग हैं। ये इस बार डिसाइड वोटर होंगे, और खास करके अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के एक साथ नहीं जाने को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर सोनम देवी है कौन? तो ललन सिंह की पत्नी है, पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं वो, और उनको कहा यह जा रहा था कि इस बार उनको सीट मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां से पहली बार चुनाव लड़ रही है जी। और उम्मीदवार कहां से आया है? तो जनता दल यूनाइटेड वाला। ललन सिंह जो बड़े ललन सिंह हैं, वो बार बार छोटे ललन सिंह को इसलिए तैयार कर रहे थे पिछले कई वर्षों से कि वो अनंत सिंह को टक्कर दे सके। उन्होंने वादा भी किया था, जैसा कि चर्चा खूब जम करके उस मुकामा में हो रही है कि ललन सिंह के धोखा के बाद और नीतीश कुमार के धोखा के बाद ललन सिंह, छोटे ललन सिंह हैं, वो अपनी पत्नी का चुनाव लड़ाने के लिए वहां से तैयार हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी मौके पर चौका लगा दिया जी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि इस पूरे मामले में धानुक वोटर जो हैं, आपको याद होगा कि जब आप लोग गए थे वहां तो धानुक वोटर, धानुकों के नेता जो है आप लोगों से संपर्क भी किए थे, घूम रहे थे, और वो इस इंतजार में थे कि उस समाज को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब ये समाज बिल्कुल चुपचाप है और किधर पलटी खाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक तरफ बात समझ में आ रही है कि ये वोटर अनंत सिंह से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इसका कोई अभी तक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये वोटर जिधर शिफ्ट करेंगे। हालांकि आपको मालूम है कि इसमें भी दो तरह की बातें सामने आ गई हैं। अंतिम समय में चिराग पासवान को अंतिम ओवर में उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वो दलित वोटर जो लगभग 40,000 के आसपास हैं, उन वोटरों पर सेंधमारी करने का, और लगभग जिस तरह की भीड़ नजर आई थी वो समझ में आ रहा था कि चिराग पासवान से उनका समाज जो है कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ
चिराग पासवान के साथ सवर्ण वोटर भी जुड़े हुए हैं, सवर्ण वोटर भी उनके उनके साथ काफी संख्या में है। हालांकि सवर्ण वोटरों को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड बदला है, उन्होंने ए टू जेड की बात शुरू की है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात सामने आई है वो आई है कि चिराग पासवान के साथ साथ एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ अंतिम समय में चिराग पासवान आए हैं, वहीं अंतिम समय में मुकेश सहनी ने महागठबंधन को वोट किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को हमारा मत जाता है और अपने समाज के लोगों से अपील किया है। सहनी वोट बैंक भी बिल्कुल मुख्य है, बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात यह होगी धानु समाज जो है वो इस बार किधर शिफ्ट करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी कितना मनोयोग से अपना अपना वोट शिफ्ट कराते हैं। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान स्पॉट पे जा करके अपना वोट शिफ्ट करा रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी ने अपील करके वोट शिफ्ट कराया है। दोनों में काफी अंतर है और ये अंतर आपको चुनाव परिणाम में नजर आ सकता है। हालांकि एक बात तय है कि मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने गोपालगंज के मामले में भी कहा था कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं और उन्होंने जिस तरह से जा करके अनंत सिंह को साफ साइड किनारा करके उन्होंने कहा कि नीलम देवी जो है अनंत सिंह से ज्यादा वोट लेकर के आएंगी क्योंकि इनमें क्षमता है लोगों से मिलने का और नीलम देवी जबरदस्त मेहनत भी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कई फिल्मी कलाकारों को उतार करके भी इस मामले को अपने तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की है। इन सब बातों के साथ साथ अनंत सिंह जेल में है, ये एक बड़ा फैक्टर है। नीतीश ललन सिंह और माझी के बयान जो हाल फिलहाल में आए हैं उस बयान का भी असर पड़ना है जी। और सबसे बड़ी बात है कि बदलाव जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो लंबे समय से यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ किसी की विरासत है नहीं, इसको लेकर के भी मामला हो सकता है। बिल्कुल जारी। और चिराग पासवान का स्पॉट पे जाना और वहां जाकर के बहुत सारे खुलासे करना इस बात के तरफ असरदारक हो सकता है। वहीं सोनम देवी के हार का बहुत सारा कारण हो सकता है जिसमें उनको पहचान की जरूरत है, पहचान की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अनंत सिंह का चेहरा और नीलम देवी का चेहरा पहले से वहां लोग पहचानते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि सोनम देवी भी विधानसभा का चुनाव लड़ी है, समय भी लेकिन बिल्कुल। लेकिन हाल फिलहाल 2019 में ही नीलम देवी एक बड़े नेता को ललन सिंह को टक्कर दी थी मोकामा से, इसलिए उनका नाम लगभग सभी लोग जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि भाजपा में आपसी विरोध भी है कि बाहरी उम्मीदवार को क्यों आखिर दिया गया, इसका भी अंदर ही अंदर भाजपा में बिल्कुल इसका भी एक अंडर चल रहा है। और वहीं सहनी को लेकर के, अनंत सिंह को लेकर के और जो महागठबंधन बना है सात दलों का लेकर के, ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर इनका वोट एक जगह इंटैक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला अवसर होगा अगर वहां से चुनाव जीतती है तो, इसके लिए पहला अवसर होगा क्योंकि अब तक लगातार वो कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो समझौते के तहत जदयू के खाते में जाता रहा है या किसी अन्य के खाते में जाता रहा है। हो सकता है कि जनता जो है इस बार अपना फैसला बदल दे या फैसला करने में जल्दबाजी न करें, तो इस तरह से सारा जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं पूरा उलझा हुआ है। और मोकामा में भी ये कहना अंतिम समय तक बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी दावेदारी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह की दावेदारी जहां मजबूत है वहीं ललन सिंह भी टक्कर दे रहे हैं और चिराग की वापसी के साथ ललन सिंह भी मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। अब ऐसे में इंतजार करना होगा क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386